प्यार है आपका भैया, क्या कहना चाहेंगे और कैसे इस फिल्म का जन्म हुआ? इस फिल्म का जन्म मेरे घर से ही हुआ। मैं बीमार था, जॉइंटिस से पीड़ित था, तो मैंने कहा शरीर काम नहीं कर रहा है, दिमाग और हाथ तो चल रहे हैं, तो लिखना शुरू किया। लिखने के बाद फिर हमने अपने भाई जो राइटर हैं शाकिर भाई, उनको पकड़ा, उन्होंने फिर इसको पिरोया और फिर तब तक मैं ठीक भी हो गया। तो फिर हम सर को सुनाई, सर को बड़ी पसंद आई और फिर अपने प्रोड्यूसर साहब को सुनाई, तो ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और आज चल जा बापू आपके सामने। ओके, रोमांटिक फिल्म क्यों नहीं चुनी आपने, कॉमेडी सटायर को चुना? ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं यार इस चीज़ का माहिर हूँ कॉमेडी का, मुझे लगता है मैं इसको अच्छे से प्ले कर सकता हूँ, तो शुरुआत मैंने वहाँ से की। बाकी तो क्या है, किसी ने मांगते मांगते आदमी फकीर बन ही जाता है, हम भी बन जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस वक्त ये स्टोरी आपने सुनी, पूरा आइडिया सुना? आशू को मैं तब से जानता हूँ, जब मैंने देखा है कि रोडीज में आशू थे और आशू बिग बॉस में थे, तो आशू का एक किरदार ऐसा रहा है कि आशू जो अंदर है वही बाहर है, मतलब सहज व्यक्तित्व रहा है और ह्यूमरस कैरेक्टर इनका रहा है और लोगों ने पसंद भी शायद इसलिए किया है। तो मुझे सबसे पहली बात तो ये थी कि मुझे इस फिल्म में इनसे अभिनय नहीं करवाना है, अगर मैंने इनसे अभिनय करवाया तो वो जो इनका एक एसेंस है वो चीज़ लोगों तक नहीं पहुँचेगी, और जैसे आशू को पसंद किया गया है वैसा ही लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो हमने जब कहानी सुनी तो हमने इस किरदार को बुना ऐसा जैसे आशू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आपको दिखता भी है कि किस तरह से निकल के आया और लोगों ने आप जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप हीरो लग रहे हैं, तो हीरो जो एक आम आदमी है वो आम आदमी आशू के अंदर है, तो नज़र आया आपको इसमें। फिल्म कहते हैं कि एक मियाँ बीवी के जो घरेलू झगड़े हैं हमारे, उस पर आधारित है, और उसी बीच में एक नोट आ जाता है, तो फिल्म उस नोट को भी, नोट से जो प्रॉब्लम आती है वो भी उस फिल्म में दिखाई जाती है। वरना एक जो एक मिडिल परिवार है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके परिवारों में क्या दिक्कत समस्याएं आती हैं, और शादी करने के बाद लड़की के साथ उसके बच्चा भी है, माँ भी है, परिवार है, और लड़का मैं जो हूँ निकम्मा हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, उस वजह से क्या दिक्कतें आती हैं वो इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। फिल्म मेकिंग बहुत सीरियस बिजनेस है जी। जब हम रिलीज की बात करते हैं तो रिलीज हम अपनी ही फिल्म दिखाने के लिए भी अपनी साउंड जी, उस बात को लेकर क्या तैयारी है, कितने थिएटर में फिल्म रिलीज होगी, क्या स्ट्रेटजी? देखिए, तैयारी तो ये है कि 200 से 250 थिएटर में फिल्म रिलीज होगी, और मैंने अभी अभी गवर्नमेंट को भी, जैसे मैं यूपी से आता हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी कहा है कि भैया हमें आप सब्सिडी ना दें, हमें थिएटर दें। नए लड़कों के लिए यहाँ थिएटर मिलना मुश्किल हो जाता है, इंडस्ट्री में गॉड फादर होना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे तो खुद के फादर नहीं है, तो अपनी गलतियों से सीखा है, कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं और से कुछ सीखा, गलतियाँ भी की हैं मैं मानता हूँ, उनसे सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये है कि हम नए लोगों को, जिनकी फिल्म ऐसे फिल्में आती हैं इनको देखने तो ज़रूर जाएँ, क्योंकि आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो हम और आगे जाएंगे। बीज में ताकत होती है, पौधा बन जाता है, अगर मुरझा रहा है सही वक्त पर आपने पानी दे दिया, अपने जनता ने हमारी फिल्म देखने चले गई, तो मैं फिर से खिल जाऊंगा। ओके आशुतोष, क्या आप मानते हैं कि कामयाबी को संभालना बहुत जरूरी है, सक्सेस हैंडल करना? देखो, सक्सेस क्या होती है, सक्सेस एक तो मैं मानता हूँ जो लाइफ टाइम सक्सेस रहे वो सक्सेस है, और सक्सेस लेट आ जाए, टाइम से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेट आ जाए तो भी अच्छा है, पहले कभी ना आए, क्योंकि आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आज आज़ादी की वैल्यू उसको पता है जिन्होंने गुलामी देखी हो। हमने कभी बॉम्बे नहीं देखा था तो हमें पता नहीं था यहाँ बात कैसे करनी है, कुशल और व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था। सीधा ढाबे से उठ के आए थे और जनता ने प्यार दिया तो बिग बॉस के विनर बन गए, और कभी बॉम्बे भी नहीं आए, शायद मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो बॉम्बे बाद में आता है, पहले ही नेम फेम हो जाता है, तो वहाँ थोड़ी गलतियाँ हुई, उन्हीं से मैंने सीखा, फिर तो आज भी प्रयत्नशील है। ओके, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, क्या ऑडियंस को देखने को मिलेगा जब हम कॉमेडी की बात करते हैं, सटायर की बात करते हैं? हम जो ये सब्जेक्ट है बड़ा मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम आप सीरियस वे में अगर कहते हैं तो ऑडियंस आपके साथ जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट को कहने के लिए आपको एक ऐसा सहारा लेना पड़ता है जहाँ पर आप लाइटर मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आप उसको फैमिली ड्रामा बनाते हैं, आप उसको बनाते हैं एक एंटरटेनिंग कॉमेडी वे में आप उसको लेके जाते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये था कि हम इसको कॉमेडी वे में लेके जाएं, और हमने इसको कॉमेडी वे में इसको लेके गए, और हमने इसको आप मतलब जो कहना चाहते हैं कि भाई कहानी में, कहानी का हिस्सा ये है कि एक बंदा जो है वो आम आदमी है, जुगाड़ू किस्म का है, उसको लगता है कि जुगाड़ उगाड़ करने से जीवन चल जाता है और सच्चाई की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पॉइंट पे आगे खुद फंस जाता है, और फिर वो कैसे उसको सच का महत्व पता चलता है, और वो कैसे फिर
सच का साथ देते हुए उन लोगों तक पहुंचता है जो इस तरह की चीज़ों में लिप्त हैं। तो बेस वो है, इंसिडेंट काफ़ी हैं, पंचेस काफ़ी हैं, जैसा कि एक ऑडियंस पसंद करती है। सारे कलाकार जो हैं वो थिएटर से हैं, एचडी वगैरह से हैं, और कई सारे जो हैं वो काफ़ी मेन स्ट्रीम सिनेमा से भी हैं। तो सबका सहयोग रहा है, और उस तरह से हमने सोचा है कि हमने चाहा है कि एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म जहाँ पे गाने भी हों, और वो उस तरह से वो मैसेज हिडन रहे लेकिन एंटरटेनमेंट रहे।